কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা এবার নম্বর বাড়ানোর দাবিতে বিক্ষোভ দেখায়। সোমবার সকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে বিক্ষোভ দেখায় তাদের দাবি, সমস্ত পড়ুয়াদের এক্সটার্নাল এবং ইন্টারনাল বিষয়ে নম্বর কম দেওয়া হয়েছে, অবিলম্বে নম্বর বাড়াতে হবে। অন্যদিকে ইউনিয়নের বক্তব্য, পড়ুয়াদের খাতা রিভিউ এবং আরটিআই করার সুযোগ আছে, তারা সেসব করতে পারে, অহেতুক বিক্ষোভ দেখিয়ে কোনো লাভ নেই। যাদের আর্থিক ক্ষমতা নেই তারা উপযুক্ত প্রমাণ দেখালে তাদের কনসিডার করা হবে, কলেজ কর্তৃপক্ষ উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেওয়ার পর বিক্ষোভ উঠে যায়। रिलेटेड कॉलेज से कुछ स्टूडेंट अपना समस्या लेके आज यूनिवर्सिटी के में आया है। वो लोग का कहना है कि वो लोग का इंटरनल और एक्सटर्नल में जिस धारण का मार्क्स दिया गया 5th और 6th सेमेस्टर उस तरह का हो नहीं सकता, वो लोग का ज़्यादा मार्क्स होना चाहिए। इसके लेके यूनिवर्सिटी प्रशासन से बात करने से यूनिवर्सिटी प्रशासन बोलता है कि एक स्टूडेंट के पास रिव्यू और आरटीआई करने का स्कोप रहता है, तो वो स्कोप स्टूडेंट अवेल करे। यहाँ पे स्टूडेंट लोग हंगामा कर रहे हैं, गेट घेराव करके रखा है। ये लोग कितना जस्ट है अनजस्ट है डिमांड, ये तो अभी हम लोग कमेंट नहीं कर सकते, पर हम लोग यूनिवर्सिटी से रिक्वेस्ट किए हैं कि इनका मैटर को देखा जाए, एक बार चेक किया जाए कि सच में कुछ टेक्निकल एरर के कारण मार्क्स कम दिखा रहा है या फिर सच में ये लोग का परीक्षा ख़राब हुआ, वो लोग वो मार्क्स जो डिजर्व करता था वो दिया गया। रिव्यू का जो फीस रहता है वो देना पड़ता है, आरटीआई का जो फीस रहता है वो देना पड़ता है, वो सारा चीज़ प्रेस्क्राइब्ड है फीस शेड्यूल में, वो जैसा है वैसा सिस्टम है। हो सकता है वैसा कोई समस्या है तो उस तरह का अगर हम लोग को यूनियन के पास लेके आया जाए तो हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि वेव ऑफ किया जाए। वाइस चांसलर रजिस्ट्रार को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि उस तरह का स्पेशल कंसिडरेशन करके केस वेव ऑफ किया जाए। उसके लिए डिपेंड करेगा उसका फाइनेंशियल स्टेटस, उसको प्रूव करना पड़ेगा कि वो सच में अफोर्ड नहीं कर सकता है। बाकी हम लोग हेल्प करते हैं बहुत सारा स्टूडेंट को अगर इस तरह का समस्या है तो।